नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। मैं हितेंद्र बदौलिया, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एसआर अशोकनगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके काम की कई सारी चीज़ें इस चैनल पर हैं। मध्य प्रदेश में जो ताज़ा सियासी संकट है वो कोई पहला संकट नहीं है, मगर ये बात ज़रूर है कि ये जो संकट है वो बहुत बड़ा है और अब तक जितने रही की चीज़ें हुई हैं उन सबसे अलग है। दरअसल एक बहुत बड़ी बात ये कही जा रही है मध्य प्रदेश के राजनीतिक संकट को लेकर कि जब जब सरकारों को गिराने की बात हुई है तब सिंधिया परिवार उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग रहा है। न केवल अभी हालिया जो पूरा प्रसंग है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाना है, बल्कि उसके पहले एक समय ऐसा भी आया था जब उनकी दादी राजमाता जो विजयराजे सिंधिया ने भी इसी तरह की एक बड़ी बकायत की थी, उस समय डीपी मिश्रा की सरकार गिरा दी थी। तो सिंधिया परिवार की अनदेखियाँ हमेशा सरकारों को भारी पड़ी हैं। उनके पिता भी एक बार बीच में बगावत पर उतारू हो चुके थे। एक शख्स हमारे बीच में है जो गुना अशोकनगर दोनों में वावस्था रहे हैं और सिंधिया परिवार का पूरा जो कार्य क्षेत्र है वो यही इलाका है। तो यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल सिंधिया का अपना महत्व क्या है और सरकारों में उनका दखल कितना होता है, और दखल के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो सरकारों को गिराने की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं। हमारे सामने अशोकनगर में रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, 80 वर्षीय प्रोफेसर एसएन सक्सेना साहब। राजनीतिक रूप से बहुत चेतन्य हैं और सामाजिक मुद्दों पर जो है अक्सर मुखर रहते हैं। पूरी जो चीज़ें बताई हैं हमने उन्होंने शुरू से आखिरी तक देखी हैं, अभी तक हम पढ़ रहे हैं या लोगों से सुन रहे हैं। हम आज आपको वो सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे राजमाता विजयराजे सिंधिया ने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, इसके बाद कैसे उपेक्षा जो है माधवराव सिंधिया को अखरी, और इसके बाद किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये सारी चीज़ें की। सर, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपने ये तीनों घटनाएं देखी हैं, आप वो पीढ़ी हैं जो एक साल। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआत से बताता हूँ जी। जैसे भारत आज़ाद हुआ, मध्य भारत बना जी, उसके 16 जिले थे जी जी। उन 16 जिलों में गुना भी आता था और ग्वालियर से लेकर इंदौर उज्जैन तक वो पूरा आता था। 16 मध्य भारत पूरा मालवा था, उसको मध्य भारत कहते थे। उसके राज प्रमुख जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया था जी। राजमाता सिंधिया उनकी इनकी दादी, ज्योतिरादित्य की दादी। सन 1953 में मैंने देखा था, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, 12-13 साल का, वो महारानी थी। उस वक्त वो गुना में एक प्रसूति गृह का उद्घाटन करने आई थी जी। उसके बाद हमने उनको 1957 में देखा जी, तब भी राजमाता नहीं थी, वो रानी ही थी, महारानी थी। और कांग्रेस के टिकट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए मोरारजी भाई देसाई, यूएन ढेबर, एस के पाटिल, ऐसे लोग आए थे। और जीवाजीराव सिंधिया उस वक्त मौजूद थे पब्लिक ने, पर जीवाजीराव सिंधिया तो राजप्रमुख हुआ करते थे। प्रमुख नहीं, तब तक तो मध्य प्रदेश बन चुका था, बन चुका था जी। और पब्लिक ने बहुत जिद की राज महाराज से कि आप कुछ बोलें, तो उन्होंने खड़े होकर सिर्फ ये कहा था कि आपकी महारानी है और आप उनकी रियाया हो, आप जानो ये चुनाव में, मतलब ये चुनाव प्रचार के दौरान आए थे क्या? प्रचार के लिए ही आए थे, बस इतना मतलब भाषण दिया। उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, प्रचार तो रानी ने किया और यूएन ढेबर, मोरारजी देसाई वगैरह ने किया। कांग्रेस के लिए, मतलब कांग्रेस के लिए, ठीक है। 57 से 62 तक वो रही, ठीक है। फिर उसके बाद में वो ग्वालियर से चुनी गई थी जी, यहाँ गुना से नहीं चुन के ग्वालियर से चुनी गई जी। उसके बाद 67 में जब चुनाव हुआ जी, तब द्वारिका प्रसाद मिश्रा, हाँ, डीपी मिश्रा की जो सरकार गिरती है, मिश्रा तो टिकट के बंटवारे पर राजमाता सिंधिया से उनका विवाद हुआ। अच्छा, मतलब जो सरकार गिराने को लेकर जो लॉजिक था तो बन गई थी कांग्रेस की जी, मगर राजमाता सिंधिया के संपर्क से जी कई सारे, बहुत सारे विधायक एक संयुक्त विधायक दल बना के संबित सरकार, संबित कांग्रेस को छोड़ करके आ गए जी। और उसमें गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया और राजमाता सिंधिया सदन की प्रमुख थी, सदन की नेता तो राजमाता थी। मतलब गोविंद नारायण, डीपी मिश्रा को हटाने के बाद बनाई गई, मिश्रा को हटा दिया जी, और गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं, आपने तो उस समय चूंकि इस उम्र में रहे हैं, आपने देखा, तो ऐसी क्या वजह थी कि राजमाता सिंधिया को एक बनी बनाई सरकार गिरानी पड़ी? केवल इसलिए कि देखिए, राजमाता सिंधिया का या पूरे सिंधिया परिवार का ग्वालियर स्टेट पर पूरा वर्चस्व था जी, और उनके शासन के बाद भी, प्रजातंत्र होने के बावजूद भी उनका आज तक प्रभाव है सिंधिया परिवार का। सब लोग उनको बहुत मानते हैं, हमसे ही पूछो तो हमने तो गंगाजली
फंड के पैसे का दूध पिया है। मतलब आपको पैसे मिलता था वहाँ? माता जी को, हमारी माता जी को पेंशन मिलती थी जी। वो उस जमाने से बिल्कुल सब व्यवस्था रहा है पूरा स्टेट जी। तो राजमाता का कहना ये था कि मेरे कहने से टिकट दिए जाएं ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग के। और सिंधिया, वो डीपी मिश्रा चाहते थे उनको शॉर्ट लिस्ट करना। मतलब डीपी मिश्रा ने उनको उपेक्षित किया है? मतलब किया क्या, क्या हुआ था, इंदिरा गांधी को चीफ प्राइम मिनिस्टर बनाने में डीपी मिश्रा का बड़ा हाथ था। अच्छा। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में इनका हाथ था जी। तो वो अपने आप को बड़ा नेता समझ, डीपी मिश्रा मतलब ये मुगालते में रहे उस जमाने में, बहुत बड़े नेता हैं, बड़े हो गए। तो इस स्टेट को नहीं छू पाए थे। तो एक बड़ी बात ये बता रहे हैं कि जो डीपी मिश्रा की हम बात करते हैं 53 साल पहले जो है राजमाता की सरकार गिराने के पीछे, उसका कारण भी ऐसा ही था कि जैसे आज के समय में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने आप को बहुत बड़े लीडर मान रहे हैं, रिपीटिशन है ये उसका, ऐसा ही ऐसा बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा। इनका कहना यहाँ तो ये तो अलग हो गए थे जी। ज्योतिरादित्य का मामला थोड़ा सा अलग है, वो चुनाव से पहले की बात थी, चुनाव में उनका कहना बिल्कुल नहीं माना। अच्छा, ये वो जो कह रही थी अपने इलाके की टिकट कर रही थी या पूरे मध्य प्रदेश की? उनके इलाके की, वो नहीं बांटने दिए गए थे। वो डीपी मिश्रा ने नहीं बांटने तो क्या दूसरे लोगों को टिकट मिले? लोगों को दिए मगर जीते फिर भी मने, पर ये बताइए कि अगर राजमाता सिंधिया के लोगों को टिकट नहीं दिया गया था तो फिर यहाँ से जीते कौन? डीपी मिश्रा के लोग जीते थे? जीते फिर भी राजमाता के ही समर्थक थे, मतलब वो सरकार के विरुद्ध के लोग जीते थे, फिर भी जीते वही थे। अच्छा। सर, उसमें ही शामिल हो गए थे तमाम, ये तमाम लोग जो बहुत सारे थे। अच्छा, उसमें सर अभी तो कोई नहीं, मतलब डीपी मिश्रा के जो लोग थे वो हार गए थे उसमें? हार गए थे। तो लगभग एक कुछ आंकड़ा है कि कितने लोग रहे होंगे राजमाता सिंधिया के साथ में? राजमाता सिंधिया के साथ, गोविंद नारायण सिंह के साथ करीब 25 या 30 लोग आए थे हटके, और जनसंघ के साथ मिलके उन्होंने सरकार, मतलब ये कहा जाए कि ये जो सिंधिया ने जो किया पार्ट टू है, लगभग उनके साथ भी 22 लोग आए। करीब वही है, है ना? जैसे 22 है ना, उनके 25 या 30 लोग थे, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ भी साथ में हुआ करता था ना। नहीं, वो पूरा मध्य प्रदेश था, तो वो उसमें समय 320 हुआ करती थी, ग्वालियर से लेकर गुना तक और उज्जैन, उज्जैन तक के सागर सिंह सिसोदिया और सवाई सिंह सिसोदिया, कुछ कुछ नाम याद होंगे उस समय के विधायकों के, सागर सिंह सिसोदिया, सीताराम ताटी, सागर सिंह सिसोदिया यानी जो मैन सिंह जी के दादा, दादा। तो एक और चीज बात, आज मैन सिंह सिसोदिया जो श्रम मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में है, और उनके दादा राजमाता सिंधिया के साथ, मतलब ये सरकार को गिराने में रमनलाल प्रेमी थे, ये सब लोग उस वक्त राजमाता के साथ हुआ करते थे। अच्छा। गुना के नेता लोग और उनको हटा कर, अच्छा, अकेले गुना क्षेत्र था राजमाता के साथ में, मध्य प्रदेश वर्ग से लेके उज्जैन तक, वहाँ तक मालवा तक था, मतलब ग्वालियर स्टेट का जहाँ जहाँ प्रभाव था, स्टेट पूरी थी उनके ही साथ थे। अच्छा, बीच में एक और चीज आपने देखी होगी, बहुत लोग करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया पे भी हम आएंगे आपसे बात करेंगे, बीच में माधवराव सिंधिया जो रहे वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, ये तीसरी बात है जो कांग्रेस पार्टी ने ऐसे महत्वपूर्ण लोगों की उपेक्षा की है जी। एक बार और उपेक्षा की, जो माधवराव सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी को हरा सकता था, उस माधवराव सिंधिया की उपेक्षा कांग्रेस ने की एक समय में, तो उन्होंने फिर रिवोल्ट किया था। अच्छा। उन्होंने रिवोल्ट करके वो सूरज छाप एक वो बनाई, विकास कांग्रेस, मध्य विकास कांग्रेस एक बनाई थी, फिर वो बाद में इंदिरा गांधी के कहने से फिर शामिल हो गए कांग्रेस में। राजमाता सिंधिया को इस बात का बहुत मलाल रहा, और राजमाता अक्सर भाषणों में ये कहती थी मेरे बेटे को बरगला लिया। नहीं, पर पहला चुनाव तो जनसंघ से लड़े हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने सदस्यता दिलाई थी उनको। इमरजेंसी के दौरान जी क्या हुआ था, सिंधिया जी को नेपाल जाना पड़ा। अच्छा। राजमाता को इन्होंने कैद कर लिया था इमरजेंसी, ठीक है, बहुत प्रताड़नाएं दी थी राजमाता के कद के हिसाब से, उनको बहुत, मतलब बड़ी सम्मानित महिला थी उस जमाने में, गायत्री देवी राजमाता, ये लोग बड़ी बहुत बड़ी महिलाएं थी जी। और उस स्थिति में इनको फिर ये धीरे से नेपाल चले गए थे, तो और उसके बाद जनसंघ से चुनाव, जनसंघ से नहीं, जनसंघ से तो पहले बन गए थे, उसके बाद मतलब ये स्थिति, फिर राजमाता के बाद जनसंघ में आए, फिर कांग्रेस में कैसे आए? कांग्रेस में इंदिरा गांधी के ही, संजय गांधी वगैरह उसमें इमरजेंसी से छूटे, फिर इनको आना पड़ा, यूं समझ लो। फिर तो अपनी ने बीच में बोफोर्स कांड के बाद भी उन्होंने जो है एक बार जो है कांग्रेस छोड़ी थी और अलग से पार्टी बना ली थी, एक ही बार हुआ है। अच्छा, वो उसी समय की बात है ये, और बहुत नजदीकी थे, यहाँ तक कि वो राजीव गांधी के बहुत नजदीकी थे। आपको अगर मालूम होगा, ये कहने की बात नहीं है, एक बार इनका पैर का फ्रैक्चर हुआ था, सोनिया गांधी उसी गाड़ी में बैठी थी, इतने नजदीकी थे ये लोग,
माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी। माधवराव सिंधिया और राजीव गांधी बहुत पर्सनल फ्रेंड थे, जैसे राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य थे। हाँ, तो अभी अभी जब था तो एक्सीडेंट में पैर माधवराव का टूटा था। देखिए, ये आप जो बड़ी बात बता रहे हैं, बिल्कुल दूसरी पीढ़ी का भी यही बताते हैं, जो अभी है। जब माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जब छोड़ के गए, तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि उनके लिए मेरे दरवाजे खुले, तो लगभग ऐसी स्थिति उनके पिताजियों के बीच में भी थी। उसी का वर्चस्व था, बहुत नजदीक से लोग, यहाँ तक तो रूमर थे ये सोनिया गांधी अपना बेटा मानती है, ये सब इस तरह की बातें करते थे, मगर अब क्या हुआ वो राम जाने। अब चूंकि आपने उन दोनों पीढ़ियों को भी देखा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अभी 15-18 साल पहले आए हैं, 20 साल उनको हुए, उनको तो पहले दिन से आप देख रहे हैं, बहुत नजदीक से देख। चुनाव जब हुआ था तब मैं यहाँ अशोकनगर में जी इलेक्शन के ये जो कंट्रोल रूम हुआ करता था उसका इंचार्ज था। पहला चुनाव जब वो लड़े थे 2002 में, है ना, 2002 में, ठीक है, तो उनको भी आपने बहुत नजदीक से देखा। और अब जो चीजें हुई उसको आप कैसे देख रहे हैं? सिंधिया ने अब जो बगावत की है और सरकार गिराने की, सिंधिया की बगावत जहां तक मेरे को खबरें इन अखबारों से और इनसे मिलती है वो ये कि कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह के माध्यम से उनकी बहुत उपेक्षा हुई। जी, दिग्विजय सिंह ने खास तौर से बहुत कोशिशें की कि उनकी उपेक्षा हो। जी, और उपेक्षा हुई है। दुर्भाग्य ये था कि वो हार गए थे चुनाव, ठीक है, इसलिए उनको और बहुत ज़्यादा अंडर वाटर देखा गया। ओके, फिर जिस दिन उन्होंने बगावत किया उस दिन का ये सुनते हैं, सोनिया गांधी से उन्होंने मिलने का समय मांगा था और वो उनको नहीं मिला। जी, दो बार समय मांगा और नहीं मिला, तो नेचुरली अब ये राजे रजवाड़े, थोड़ा बहुत सम्मान तो इनको मिलना चाहिए, थोड़े आत्मसम्मान, और इतना बड़ा लीडर के जो पूरे इलाके को कमांड करता है उसको आप मिलने का भी समय ना दो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, बहुत मार्के की बात करें, इस पूरी प्रक्रिया में या सिंधिया ने जो कदम उठाया, ज़्यादा दोष आप किसको दे रहे हैं? कांग्रेस, कांग्रेस दिल्ली कांग्रेस को या मध्य प्रदेश की जो नेताओं को? कांग्रेस तो वो पूरा कर रहे थे, और लास्ट में एक दिन पहले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इनसे सोनिया गांधी से मिल के आए हैं। जी, दूसरे दिन इन्होंने टाइम मांगा है, इनको टाइम नहीं मिला, और संभवतः जो रूमर्स हैं या खबरें हैं कि ये सिर्फ राज्यसभा का टिकट मांग रहे थे, मिलना चाहिए था, इनको राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा था, ना इनको प्रेसिडेंटशिप दी जा रही थी मध्य प्रदेश कांग्रेस की, हर तरह से उपेक्षा करके और उनको नीचे से नीचे, और जहां तक कमलनाथ ने कह दिया कि सड़क को उतरना है तो उतर जाएं, तो उतर गए सड़क में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बड़े बुजुर्ग भी हैं आप तो इस इलाके के, और यहीं से सिंधिया राजनीति करते रहे हैं, आप पूरा परिवार कहते रहे, तो आपके नज़रिए से अगर हम ये देखें कि उनने जो फैसला लिया है उसको आप कितना सही मानते हैं? कितना फैसला तो ये तो सही है कि कांग्रेस छोड़ दी, ठीक है, आप उसको सही मानते हैं। भाजपा में जाते हैं और उसका फ्यूचर क्या होता है इसके बारे में कोई टिप्पणी? भाजपा में वो जा चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य उम्मीदवार बन चुके हैं, बारे में उनके फ्यूचर के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। संशय है फ्यूचर को लेकर? नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि जो लोग पहले से भाजपा में हैं या जो भाजपा की संस्कृति है उसमें वो कितना फिट होंगे कितना मिसफिट होंगे, ये बात की बातें हैं। नहीं, वो इसलिए कह रहा हूँ मैं सर कि राजमाता सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आती हैं और बीजेपी का मतलब छत्रप बन जाती हैं, बीजेपी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। माधवराव सिंधिया जनसंघ छोड़ के कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं। उलझाओ मत मेरे को, मैं जानता हूँ सबसे बड़े लीडर कहलवाना तुम चाहते हो। हाँ। राजमाता जब थी, जब जनसंघ आरएसएस की नहीं थी, ठीक है, आज भाजपा आरएसएस की है, ठीक है, उसमें सिंधिया कितने फिट होते हैं कितने मिसफिट होते हैं ये नहीं, मैं तो जैसा आपने अभी कहा राजे रजवाड़े हैं, इनका प्रभुत्व है, महत्व है, बड़े नेता है, उनको सम्मान तो मिले, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये उनकी दो पहली पीढ़ी भी दल छोड़ के दूसरे दल में गई और वहां शीर्ष पे रही हैं, तो क्या अगर पुराना हिसाब किताब देखें तो अपन मान सकते हैं कि सिंधिया मान सकते हैं भगवान करे जैसे वो पहुंचे हैं और जो उनको वादे मिले हैं कि राज्यसभा का टिकट तो मिल ही गया जी, और संसद उसमें मंत्रिमंडल में भी स्थान की बात है, मगर फिर भी राजनीति है, उनका क्या भरोसा, दे नेवर से वट दे से दे नेवर मीन वट दे से They never say what they mean. मतलब अनिश्चितताओं की राजनीति के बीच में, बीच में फिर भी हमारा मेरा व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मैं ज्योतिरादित्य को अच्छा मानता हूँ, अपेक्षाकृत, और ये जितने कांग्रेस के लोग हैं उनसे वो शब्दों का अपने वचनों का आदमी है और पब्लिक के लिए करता है, उसे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये धूल धूल खाता फिरे उसे ज़रूरत नहीं है, उस पूरे परिवार को ज़रूरत नहीं, जबकि पूरा परिवार शुरू से उनकी दोनों बहनें जी माधवराव की, दोनों बहनें राजीव,
वसुंधरा राजे राजस्थान गई तो वहाँ उन्होंने ऊंचाई पाई, यशोधरा राजे भाजपा में है वहाँ भी उन्हें सम्मान मिल रहा है, ऐसा नहीं है जी। हमेशा से मिला है, जब जब सरकार रही मिला उनको। अब ये जो है ये ज़रा और ज़्यादा हाइट के हैं, यशोधरा राजे की अपेक्षाकृत ज़्यादा हाइट के आदमी हैं, उसमें उनके साथ वैमनस्य रखने वाले कितने हो सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर की भाजपा का क्या होगा ये एक सोचने की बात है, क्योंकि ग्वालियर में कांग्रेस में माइनस -0 था, ऐसा भाजपा नहीं हो सकता, ये बात सही है। तो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं हमको कि सिंधिया परिवार का अपना एक रुआब है, एक रुतबा है इस इलाके में, वो एक छत्रप है, न केवल इस इलाके में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में, और उनकी अनदेखियाँ समय समय पर सब सरकारों को जो है भारी पड़ी हैं। अब की सरकार ने जो सिंधिया की उपेक्षा की है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ गई है, क्योंकि एक साथ 22 विधायक उनके साथ चले गए। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब उनके साथ के 22 विधायक बेंगलुरु में है, सरकार लगभग गिराने की स्थिति में आ चुकी है वो, और ये सिंधिया का अपना बड़ा कद है कि 22 लोग आज की स्थिति में, आज के ऐसे राजनीतिक दौर में उनकी एक आवाज़ पर एक साथ खड़े हैं, और यहाँ के लोगों के हिसाब से अगर कही जाए तो मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के बीच में ये बात निकल के आ रही है कि सिंधिया ने जो किया वो मजबूरी में उठाया, एक अच्छा कदम है, बाकी इसके परिणाम आगे क्या होंगे और कैसे चीज़ें और तेज़ी से बढ़ेंगी और घटेंगी वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस मुद्दे पे या इस वीडियो का मतलब ये था कि सिंधिया परिवार का अपना एक महत्व है, अपनी एक जो है पूरे क्षेत्र में जो है पकड़ है, और उस पकड़ को जिस जिसने जो है कमज़ोर करने की कोशिश की या उपेक्षित करने की कोशिश की तो सबको जो है उसके परिणाम भुगतने पड़े हैं। नमस्कार।